हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। मैं आपके लिए लाई हूँ मटन बिरयानी। एकदम सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। अगर आपको ये रेसिपी देखना है तो मुझे फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करिए। और ये रेसिपी एकदम सिंपल है, फटाफट बन जाती है। तो आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, वैसे ही बनाना। बिरयानी बनाने के लिए मैंने इधर कुछ गरम मसाले लिए, दालचीनी, बादियान का फूल, हरी इलायची, काली मिरी और बड़ी इलायची, जावित्री और थोड़ा सा जीरा। और मैं इसको थोड़ा भून लूँगी अच्छे से तवे पे और इसको पीस लूँगी, बारीक पाउडर बना लूँगी। सभी गरम मसाले लिए, आप देख सकते हैं। मैंने इधर लिए 1.5 किलो बकरे का मटन, गोश्त ले लियो मैंने 1.5 किलो, अच्छे से धो दी हूँ। मैंने इधर चावल लियो, बिरयानी चावल है ये, बहुत अच्छे बनते हैं। भिगा दूँगी मैं इसको, भिगाने से और भी अच्छे खिले खिले बनेंगे। उसके बाद मैं इधर रख दूँगी कुकर, कुकर में डाल दूँगी तेल। तेल हमें हिसाब से डालना है, मैं 4 से 5 चम्मच तेल ले लूँगी। उसमें मैं 3 तेज़पत्ता डाल दूँगी। उसके बाद मैंने इधर 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली, वो डाल दूँगी, कट कर ली थी मैंने स्लाइस में, वो ऐड कर दूँगी इधर तेल में। तेल अच्छा खासा गरम हो चुका है, मैं इसमें गरम मसाले नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने सभी गरम मसाले पीस लिए। मैंने चावल के लिए इधर पानी रख दी, 1 बादियान का फूल, 2 हरी इलायची, काली मिरी और 1 बड़ी इलायची ली हूँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल दूँगी। फिर मैं इधर मेरी प्याज को हल्की गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। 2 मैं स्लाइस डाल दूँगी नींबू के, ऐसे चावल अच्छे खिले खिले होते हैं। नमक डाल देंगे चावल के अंदर बॉईल करने के टाइम। और मैं इधर 3 से 4 हरी मिर्ची और थोड़ा सा कोथमीर डाल दूँगी पानी के अंदर, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। हमारी प्याज इधर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, ले ली थी इसको स्लाइस में काट ली, वो डाल देंगे। अच्छे से भून लेंगे टमाटर को प्याज के अंदर तेल के साथ, थोड़ी सी नरम हो जाए। फिर उसके अंदर मैं इधर 4 से 5 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूंगी, मीडियम साइज़ के चम्मच से उससे ली हूँ मैंने। अच्छे से अदरक लहसुन तेल में टमाटर के साथ भून लेंगे। अदरक लहसुन अच्छा भून चुका है, अब मैं उसके अंदर ऐड करूँगी गोश्त। तो हमने जो अच्छे से वॉश करके रखे थे गोश्त को, बकरे का था, वो धो ली हूँ, वो ऐड कर देंगे। उसके साथ नमक डाल देंगे, मैं इधर 2 चम्मच नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। मैंने इधर हरी मिर्ची ली हूँ, टेस्ट के हिसाब से लीजिए, मैंने इधर ज़्यादा ली हूँ, 25 हरी मिर्ची ली हूँ। इधर मैंने ली हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर और कश्मीरी पाउडर ली थी थोड़ा, और हल्दी, हल्दी पाउडर, ये जो मैंने आपको गरम मसाले बताई थी भून के मैंने पीस ली थी, वो ऐड कर देंगे पाउडर। अच्छे से मसाला भून लेंगे। फिर मैं इधर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी धनिया और पुदीना, कट कर ली थी मैंने, वो डाल दूँगी। अच्छे से वापस से भून लेंगे मसाले को। मैंने 1.5 किलो गोश्त के अंदर 1.25 किलो मैंने दही ली, वो डाल दूंगी। अच्छे से भून लेंगे। अभी मैं उसमें डालूंगी 1 गिलास पानी और ढक्कन लगा के सीटी लगा लेंगे। मैं बकरे का गोश्त है, 4 सीटी लगाऊंगी, 2 फास्ट पे और 2 स्लो पे। हमारा पानी इधर बॉईल हो चुका है चावल का, मैंने चावल वॉश कर ली, वो ऐड कर देंगे। चावल हमारे हो गए एकदम, एक कनी पे है, तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो मैं ये परात में निकालूंगी, ये चम्मच के, जाली चम्मच के मदद से मैं चावल निकालूंगी पानी में से। बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल हो गए, तो मैं ये थाले में डाल दूंगी फैला के चावल को, सभी चावल निकाल लेंगे ऐसे ही। जो इसके अंदर वो नींबू वगैरह है वो निकाल लेंगे, वो नहीं हमें ऐड करना है। तो इधर मेरा हो चुका है गोश्त, मतलब बकरे का गोश्त जो मैंने चढ़ाई थी वो हो चुका है। अच्छे से भून लेंगे, एक बार चम्मच लगा लेंगे,
फास्ट गैस रख के, तो गोश्त अच्छे से भून चुका है। थोड़ा मैंने ज़्यादा गलाई नहीं हूँ, थोड़ा सा मैंने ऐसा रखी हूँ ताकि मैं अपन बिरयानी चढ़ाएंगे तो उसमें हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको ऐड कर दी बड़ी से पतीली में, एकदम गोश्त गलाना नहीं है, थोड़ा हमें इस पर रखना है क्योंकि इसमें भी पानी है, उसमें गलेगा दम पे। तो मैं इधर ऐड कर दूंगी, आधा किलो बटाटे ले ली थी मैंने वो ऐड कर दूंगी, एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी कोथमीर ऐड, एक मुट्ठी कोथमीर और एक मुट्ठी पुदीना ऐड कर देंगे। अच्छे से सब सेट कर लेंगे। पानी अभी भी है हमारे गोश्त में, थोड़ा सा मैं केवड़ा एसेंस डालूंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। एक चम्मच जितना डाली हूँ मैंने बिरयानी में, बिरयानी के मसाले में डाली हूँ। मैंने अच्छे से सेट कर लिया, अभी जो हमारे चावल जो मैंने अच्छे से उसको फैला के रख दी थी ये डाल देंगे। सभी चावल फैला के अच्छे से डाल देंगे मसाले के ऊपर। तो मैंने फास्ट गैस रखी हूँ, नीचे मैंने तवा रखी हूँ तपेले के, और अच्छे से भाप नहीं जाए वैसा ढक के अच्छे से पैक करके रख देंगे। तो मैंने आधा घंटे तक रखी थी, 15 मिनट फास्ट पे रखी थी, 15 मिनट स्लो पे। अभी चेक कर लेंगे कहीं पानी तो नहीं रह गया, तो ये चेक करने का एक टिप मैं आपको दे रही हूँ। तो ये अच्छे से चेक कर लिए तो पानी कहीं भी नहीं है। चलो अभी चेक करते हैं। तो मैंने इसमें कलर ऐड नहीं करी क्योंकि जो उसकी तरी है उससे चावल का कलर बहुत अच्छा आएगा, इसके लिए मैंने इसमें कलर ऐड नहीं करी हूँ। देखो ऑरेंज कलर आ चुका है हमारे चावल में ऊपर। तो ये लजीज बिरयानी बनके तैयार है, मटन बिरयानी। तो आप लोग भी आइए खाने के लिए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, फटाफट वाली मटन बिरयानी।